नमस्कार आमर विशेष उपस्थापन को स्वागत विकास जय शिवशंभु जय केदार यही ध्वनि आज प्रकम्पित होता केदारनाथ पीठ आदि शंकराचार्य भव्य मूर्तिर लोकार्पण आप जानते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज केदारनाथ गस्तर थे अनेक भव्य कार्यक्रम थिला अलौकिक परेश कि भी सेठार होता से सब कु पूरा भारतवासी देखी जोड़ी होते अनेक संत अनेक श्रद्धा देखिबा केदारनाथ आज मोदी गस्त बेले कौन कौन सब होता रिपोर्ट रे। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। जय केदार ध्वनि रे कंपिला केदारनाथ का पीठ आदि शंकराचार्य भव्य मूर्ति रो लोकार्पण कले प्रधानमंत्री। शंकराचार्य चेतना भारत विकास रो प्रेरणा चारि धाम रो जोड़ी हेले साधु संत और असंख्य श्रद्धालु। पुरीर गोवर्धन पीठ रु जोड़ी हेले केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सकाळे उत्तराखंड केदारनाथ को पीठरे बाबा जलाभिषेक करिसंती। यहाँ परे आदि शंकराचार्य मूर्ति रो लोकार्पण करी तांको मूर्ति सम्मुखरे प्रार्थना करिथिले। यहाँ तांको एक दिव्य अनुभूति प्रदान करिछि। शंकराचार्य चेतना भव्य भारत विकास को जागृत करोधन प्रधानमंत्री। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल बते मैंने बिताए, एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य तांकर असाधारण जीवन शैली माध्यम रे भारत वर्ष को केवल धार्मिक चेतना नुहे एहा सहित देशर एकता और निरापत्तार आह्वान देथिले। भारत सहित विश्वर कल्याण पर निरंतर चिंता करथिले आदि शंकराचार्य। उनका पूरा जीवन जितना असाधारण था उतना ही वो जनसाधारण के कल्याण के लिए समर्पित थे। भारत और विश्व के कल्याण के लिए हर निश अपनी चेतना को समर्पित करते रहते थे। प्रधानमंत्री का संबोधन देशर हिंदू संस्कृति रो पुनरुद्धार को दर्शाउछि बोली एही अवसर रे प्रधानमंत्री का सह उपस्थित थिबा महासंत स्वामी बलकान और स्वामी चिदानंद सरस्वती प्रकाश करथिले। अगर संस्कृति होगी, संस्कार होंगे तो भारत जिंदा रहेगा, भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। आप सोचते दिवाली की रात उस सैनिकों के साथ थे और आज वो सैनिक हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हैं और जिन्होंने संस्कृति की सुरक्षा की शंकराचार्य जी उनकी समाधि के पास आकर वो अपना माथा नवाते हैं। ये है इस देश का प्रधानमंत्री। मुझे लगता है ये इस देश का सौभाग्य है कि इस देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री है। युवा वर्ग यदि अपनी उन्नति के मार्ग को अपनी उन्नति के शिखर तक जाना चाहता है तो उसे सनातन धर्म की संस्कृति और सनातन धर्म के संस्कारों को अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ेगा। ये आज प्रधानमंत्री जी ने समस्त विश्व को जोड़ा है। सड़क परियोजना द्वारा देशर चारि धाम को हाईवे द्वारा संयुक्त कराजिबार प्रस्तुति आरंभ करा जायछि। एहा द्वारा श्रद्धालु मानंक पई चारि धाम रा यात्रा बहु सुविधा रे होई परिबो बोली कहिसंती प्रधानमंत्री। केदारनाथ धाम रे प्रधानमंत्री का एही अभिभाषण सहित देशर चारि धामरु विशिष्ट नेता संत और श्रद्धालु गण वर्चुअल माध्यम रे जोड़ी होइथिले। तेबे एही अवसर रे देशर चारि धाम मध्यरे अन्यतम पुरी धाम रो गोवर्धन पीठरु केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्य प्रधानमंत्री को केदारनाथ पीठ कार्यक्रम रे जोड़ी होइथिले। अखंड भारत पई आदि शंकराचार्य को अवदान को मने पकाइथिले केन्द्र मंत्री। आम समस्त गौरवर विषय देशर प्रधानमंत्री जेतेबेले समग्र समाज आस्था केदार बाबा पाखे निजर पूजा अर्चना करिकी समर्पण भाव देखले भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा भारतीय विचार पद्धतिर
ଯାହାକୁ କି 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ବୟସରେ ଚାରିଧାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବେଦ ଉପନିଷେଦର ବାଚନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଦେବଭୂମି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ, ପୁରା ଗସ୍ତ ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର ଥିଲା। ଅବସରରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନାବରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତା ସହିତ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକଳ୍ପ କୁହାଯାଉଛି 400 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି କେଦାରନାଥର ବିକାଶ ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ। ତା ସହିତ ବାବା ବିଶ୍ୱେଶ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ଥ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ କେଦାରନାଥରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 8 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ସେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଏବଂ ଯେମିତି ଘଟଣା ସେଠାରେ ଘଟିଥିଲା, ଏବଂ 8 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ, ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, କେମିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି? ବଦଳୁଛି ଚିତ୍ର କେଦାରନାଥର ନିହାତି ଭାବେ। ଆଜି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଏବଂ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ହିନ୍ଦୁ ସନାତନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ଷଣ ଥିଲା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଚାରିଧାମରେ 4 ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତରେ ପରିଣତ କରିବା, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଖଣ୍ଡତା, ଏକତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ ରକ୍ଷା କରିବା ଯାହାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କେଦାରନାଥ ପୀଠରେ ଯେଉଁଠି ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା କରୁଥିଲେ, 8 ବର୍ଷ ତଳେ ଅର୍ଥାତ 2013 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଏଭଳି 21ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ଜଣେ ତପୋନିଷ୍ଠ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପୁନଃ କେଦାରନାଥ ତାର ସେଇ ବୈଭବକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ସମାଧି ପୁନଃ ଆଜି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କରକମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମନୀୟ ବିଗ୍ରହ ଆଦିଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନାବରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ସରକାର କଟିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାର୍ତ୍ତା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଦିନରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କଥା ଆପଣ କହିଲେ। ଆମ ସହିତ ବାବା ବିଶ୍ୱେଶ ଚୈତନ୍ୟ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେଦାରନାଥ କଥା, କେଦାରନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି, ସେ ଆଲୌକିକ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବେ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ରଖିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମନୋକାମନା କରାଯାଏ, ଯାହା ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେ ସବୁ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତା ବାବଦରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗସ୍ତ? କେଦାରନାଥର ପୁରା କାୟାକଳ୍ପ, ପୁରା ରୂପ ବଦଳୁଛି ଏବେ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ବେଦ ଉପନିଷଦ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ।
भारत वर्षरे से चारोटी मठ स्थापन करथिले आ सनातन धर्म को उज्जीवित करिया पाई धीरे 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 सनातन धर्मटा विलुप्त हो जाइथिला एवं से आसीथिले ताको उज्जीवित करथिले आ केदारनाथ बद्रीनाथ जगन्नाथ धाम पुरी ए जो चारटा जगार से धर्म माने मठ स्थापना करथिले जो कराल वर्षा होता 2013 मसीहारे आम आप जानते केदारनाथ टी संपूर्ण नष्ट हो जाइथिला आमर जे भली भाव नष्ट होले गोटे नूतन कार्यक्रम तैयारी करा जाए से भली भाव अद्वैत प्रधानमंत्री जे आज विश्व परिकल्पित तेणु अद्वैत राजा कह जाए बर्तमान भारत बर्षर गोटे सुशासक बा सुराजा जोटा कह जाए आम भाषा राजा जड़े भल राजा आसिले से धर्म कथा चिंता कर अद्वैत राजा आसिले एवं सी जो आदिगुरु शंकराचार्य जो भाई भाव विद्वान व्यक्ति थे आ समग्र हिंदू धर्मर मार्गदर्शक थे आज पुनः केदारनाथ रे जो मूर्ति स्थापन करागला ताहा विश्व को गोटे अति उत्तम वार्ता गला समग्र विश्व को गोटे वार्ता गला और हिंदू समाज मध्य गोटे जाग्रत भाव तैयारी करागला वर्तमान जो हिंदू समाज जो दिग्भ्रष्ट हो दिग्भ्रष्ट होगा समय आमको जड़े भल राजा मिलती आउ गाइड करने गाइड में आज आम केदारनाथ पाखे जा मानसिक करने को लोक भितर गोटे ऊर्जा आसला केदारनाथ भांगी जाए आम कहीं बर्तमान जो गोटे नुआ ऊर्जा आसला केदारनाथ पाख को भारत बर्षर समस्त कोण अनुकोण रु लोक मैंने जावाई आकृष्ट आउ देखापी उत्साहित आ प्रधानमंत्री को यो कार्यक्रम सारा सारा भारत बर्ष गोटे दिग्दर्शन बढ़िया भाग में देला आ पूर्वर आम पंडित महेश साहू कहते अद्वैत प्रधानमंत्री तो एमती भारत बर्ष के ये जो 70 वर्षर विकास जहाँ नाला मोदी आज ता भारत बर्षर धर्मपाई जी कम कर विश्वपाई निश्चित दिन कम कर संदेह ना आ भगवान केदारंकर कृपा पूरा अद्वैत बर्षी दिए आमर जन सन्थ भी कहते कल कि भाव से सी जवान सांगे थे देश रक्षक सांगे थे आज धर्म सांगे अच्छा जोड़ी हबार कि परंपरा काली दीप देवा दीपावली आज गिरी गोवर्धन पूजा माने कि अपूर्व संजोग प्रधानमंत्री जो अपूर्व संजोग गोटे विराट बार्ता समाज को जाऊँ विराट बार्ता हिंदू धर्म समाज को गंगा पंडित महेश साहू पंडित महेश साहू जानवा चाहिए जमीक बाबा कहते 24 घंटा पूर्वर थिले देशर सैन्य मानक सहित जे देश को सुरक्षा देउछन्ते एबो 24 घंटा परे थिले से धर्म को नहीं कि मंदिर रे थिले केदारनाथ रे थिले गोटे पटे देश सुरक्षा गोटे पटे हिंदू धर्मर सुरक्षा ए सबु को आपण केमिति विश्लेषण करउछन्ते पूरा भारतर विकास जो कह जाए जे नारा दिया जाउछि विश्व गुरु हेबा दिगरे भारत आगे ही चालू छी पूर्वर भी थिला हजार हजार वर्ष तले एबे मध्य भारत से दिगरे आगउछि देखंतो 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 गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व देखंतो गोटिए मुद्रार दुईटी पार्श्व गोटिए पटे राष्ट्र आ गोटिए पटे धर्म राष्ट्र को छाड़िकरी धर्मर कथा कह जा धर्म को छाड़िकरी राष्ट्र मध्य परिकल्पना करा जाई परिबो नाही जो कथा माननीय भारत प्रधानमंत्री से कथा तांको निज आचरण रे से देखते आम आलोचना करुले गत काली से सैनिक मानक सांगे सेना बाहन सांगे दीपावली उत्सव को पालन करुला बेले आज गिरी गोवर्धन पूजार बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो भारत बर्षर द्वादश ज्योतिर्लिंग अच्छा ता भितर अन्यतम ज्योतिर्लिंग होती केदारनाथ ठी निजे प्रधानमंत्री से केदारनाथ ज्योतिर्लिंग पीठ से केदारनाथ धाम पूजा अर्चना करिचंती आदि शंकरंकर मूर्ति को अनावरण करिचंती अतबे गोटिए कथा आमे कहि परिबा आमर समाजर राष्ट्रर सुरक्षा पाई सेनार जेतिके आवश्यकता राष्ट्ररे धर्मर रक्षा पाई मध्य संथ मानंकर मध्य सेतिके आवश्यकता सेति पई कहा जाए सैनिक को सलाम संथ को प्रणाम सेई कथा आज निजे मोदी जी तांकर जो विचार अछि ताकु से परिपुष्ट करिचंती गत काली सेना मानंकर मनोबल बढ़ेचंती
आज संथ मान पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करण आम समस्ते कृतज्ञ ए राष्ट्र पाखरे ए धर्म पाखरे ए संस्कृति पाखरे ए परंपरा पाखरे आम कृतज्ञ हवा ए प्रकार गोटे विचार आज समग्र पृथ्वी को देखते माननीय प्रधानमंत्री छोटिया कथा टे कह जो कथा आज प्रधानमंत्री जो माने अभिभाषण शुणी से अनुभव करें आज लगुला जे आम प्रधानमंत्री जमी जड़े तपस्वी भि आदि शंकराचार्य सम्मुखें ध्यानस्थ हवा बाबा केदारनाथ पूजन करवा एवं विश्व कल्याण निमित्त संकल्प कर गोटे छोटिया विषय नुह जो कथा भारतीय संस्कृति आधारशिला उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम ये जो वसुधैव कुटुंबकर जो विचार आज ही प्रधानमंत्री प्रमाणित करते विश्व कल्याण भारत कल्याण संकल्प करुले केदारनाथ मंदिर भितर तेणु प्रमाणित करत प्रधानमंत्री जे आम केवल वाक्य नुह भाषण में नुह आम कर्म देख पारू कर्म रूपातरित करूँ एक आज भारत समग्र विश्व को वार्ता दे प्रधानमंत्री जरिया निवे बाबा विशेष चैतन्य आपंठ जानवाक चाहिए आदि शंकराचार्य जो ज्ञान रही जहाँ कहु कहते हैं हजि जा संस्कृति आगु को बढ़ुची एवं उज्जीवित होउची सनातन धर्म कथा कहुच्च आदि शंकर से जो ज्ञान रही वर्तमान समय रे तांकर समाधि पुनरुद्धार करागला से ज्ञान को साधारण लोकों पाखे पहुँचवाप बड़ अभियान जो भाव गोटे साधारण लोक कथा कहले कम लोक शुणी जड़े विद्वान लोक कथा कहले बहुत लोक शुणी से भाव आज जो कार्यक्रम यह निश्चित प्रति प्रति हिंदू परिवार रे वार्ता पहुँच कि भाव जो श्रुत भाष कृत बंदे भगवत पुनः पुनः माने समग्र विश्व रे भगवान जो आचरण बा जो आम संस्कार थिला धीरे 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 कार्यक्रमे आम हिंदू होचे आमर जो भाव शस्त्र पूजन अस्त्र पूजन जीव पूजन थिला धीरे धीरे लोक विलुप्त हो जाते ये जो आदि शंकराचार्य आसी स्थापन करते पुनः स्थापन करते स्थापन करते फिर आज जो भाव युवभ्रष्ट निशाग्रस्त पूरा हिंदू पूरा भ्रष्ट बर्तमान समाज को देखा गला एक समस्ते घर बस देखुं जानते हिंदू जो भाई भ्रष्ट था आज जो अमावास्यार पूर्व कला अंधार राति गला जो चंद्रपक्ष आसला से भाई भाव चंद्र जो चोर निंदे चंद्रमा जो भाव जो भाव खराब खराब संस्कार था आज आम भारत बर्ष उज्जीवित है चंद्रपक्ष जेहेतु प्रधानमंत्री निजे अद्वैत वेदांत सुत भाष कृत बंदे भगवंत पुनः पुनः माने शंकराचार्य मूर्ति प्रतिष्ठा कले समग्र हिंदू परिवार रे समग्र विश्व रे गोटे शोचनीय बार्ता जीव आउ जो भली भाव आम भारत विश्वगुरु हम यह निश्चित मात्रा रे सत्य जो भाव राम मंदिर मुदा हूँ समस्त मुदा हूँ प्रधानमंत्री अति धर्म को जी माने प्रत्येक धर्म रे किसी लोक विरोध करती से मुसलमान ख्रिस्टियन विरोध कर जमा नुह प्रधानमंत्री सब धर्म को निपण मैंने बाहर को जिते बड़े जाती विश्व में प्रधानमंत्री जो आदर आ गौरव जोशे प्रधानमंत्री यह गोटे अद्वैत कथा आक देखला मोर व्यक्तिगत मुझे सन्थ हिसाब से कहे मोर व्यक्तिगत अनुभव भाव जहाँ आमर जड़े अद्वैत केदारनाथ बाबा जो केदारनाथ बद्रीनाथ अमरनाथ समस्त कृपा जशश्री प्रधानमंत्री आज विश्व में हिंदू धर्म बा सनातन धर्मर जड़े विराट महान राजा रूपे परिकल्पित होती यह आम भारत पाई गर्व आ गौरव विषय अटे सीत विशेष चैतन्य कहुए आदि शंकराचार्य अष्टम शताब्दी जिते बड़े से अनेक कि रचना करते खास करके साधारण समाज रे हिंदू जिते बड़े जो धर्म सनातन धर्म रे विश्वास जो थिला लोक मैंने केमती एकजुट रे कि भाव समस्त भितर सामानता रुक को नहीं अनेक गुड़े ज्ञान था विलुप्त प्राय हो जाता कि पुनरुद्धार पाई प्रयास करागला से सब ज्ञान कौन रही कौन तार महत्व रही लोक मैंने जाणी के जरूरी धर्म रहिले आउ राष्ट्र रहिब धर्म संस्थापना थायो धर्म संस्थापना थायो माने धर्मटा स्थापन हले
ଭାରତ ରହିବ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ରହିବେ ଆଉ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ରହିବ। ଏକଥା ପୁରା ଆମର ଗୀତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାମଚରିତ ମାନସ ସମଗ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ବା ଉଲ୍ଲେଖିତ ଅଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଧର୍ମ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଗୁଆ ଧର୍ମ ଦରକାର। ଧର୍ମ ଆଚରଣ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଭିତରେ ଏଇଆ ଫରକ ଥାଏ। ଭୌତିକ ବିଦ୍ୟା ଚଳନିକତ ଶିଖେଇଥାଏ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଦ୍ୟା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ପ୍ରତି ଦୟା, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ସଂସାରରେ ନୀତିନିୟମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବ ଭାବନା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା, କେବଳ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁର ଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି କେଦାରଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, କେଦାରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୟୂର, ମୂଷା, ସିଂହ, ବ୍ୟାଘ୍ର, ମାନେ ଷଣ୍ଢ, ମାନେ ମୂଷାର ଖାଦ୍ୟ, ମୂଷାର ଖାଦ୍ୟ ସାପ, ଯେଉଁ ସାପର ଖାଦ୍ୟ ନେଉଳ, ନେଉଳର ଖାଦ୍ୟ ସିଂହ, ସିଂହର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଷଣ୍ଢ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରାରେ ଏତେ ଏଭଳି ଭାବ ଆଉ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲା, ଆଜିକା ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କେଦାରନାଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚିଲା। ଆମେ ଯଦି ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘରେ ସିଂହ ସଦା ନିତ୍ୟ ରହିଥାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଘରେ ଅଟେ ସେହି, ମାନେ ସିଂହ ଆଉ ସଦା ଏ ଦୁଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଛି ଏହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଧର୍ମୀମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଇଁ କେବଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠୁ ମଲା ପରେ ଆଲ୍ଲା ତାଙ୍କର ରଖିଛନ୍ତି 72 ଜନକ ସେଠି ରଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମାନେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ 200 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବନାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖାଉଥିଲେ ଟିଭିରେ ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ମାନେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଏଇ ନାଁରେ ହିନ୍ଦୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜେ। ହିନ୍ଦୁ କେବେ କାହାକୁ କହେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଦିଏ ନାହିଁ, ଖରାପ ବିଚାରଧାରା ଶିଖେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଫେରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ପଣ୍ଡିତ ମହେଶ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଶୀତ ସାହୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଛି। ମଠ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହାଯାଏ, ଯଦି ମଠ ରହିଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ ମଠ ଆଜିକା ଦିନରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, କେତେ ଭୂମିକା ରହିଛି, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ମଠର, ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜିର ପରମ୍ପରା ନୁହଁ, ଦୀର୍ଘ 2500 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା, ଯାହା ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଶଙ୍କରଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଂ କେଶବଂ ବାଦରାୟଣଃ ସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟଂ କୃତୌ ବନ୍ଦେ ଭଗବନ୍ତୋ ପୁନଃ ପୁନଃ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ମଠ ପରମ୍ପରା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମଠ, ଉତ୍ତରରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମଠ, ଦକ୍ଷିଣରେ ଶୃଙ୍ଗେରୀ ମଠ, ପଶ୍ଚିମରେ ଶାରଦା ମଠକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଭଗବତ ପାଦ ଆଦ୍ୟ ଶଙ୍କର। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା। ଏ ମଠ କେବଳ ପୂଜନର କେନ୍ଦ୍ର ନଥିଲା, ଏ ମଠ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ, ଏ ମଠ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଲା, ଏ ମଠ ଥିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜାଗରଣର କେନ୍ଦ୍ର, ଶିକ୍ଷା, ରକ୍ଷା, ସେବା, ପରାୟଣର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ମଠ। ତଦନୁ ଯାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରମ୍ପରାରେ ହୁଏତ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେକାଂଶରେ ମଳିନତା ଆସିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ମୌଳିକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତା'ର ମୌଳିକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମଠ ରକ୍ଷା କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, ଇଏ ଦେଶ ହେଉଛି ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦର ଦେଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭଗବାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୁରୁ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଈଶ୍ୱରଂ ଗୁରୁରାତ୍ମେତି ମୂର୍ତ୍ତି ଭେଦ ବିଭାଗିନେ ବ୍ୟମବତ୍ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦେହାୟମ ଦକ୍ଷିଣା ମୂର୍ତ୍ତୟେ ନମଃ।
अर्थात गुरु एवं ईश्वर भितरे कौन सी भेद ना ये होंगे अभेद एकाकार ताकु प्रमाणित करा जाइछि आदि आद्य शंकर जो विग्रह को अनावरण करा जाइ एवं समग्र विश्व को गोटे वार्ता मध्य देइछंती मु कहिबी आकु आपण माने विचार मध्य करिबा दरकार जे गोटे राजतंत्र रे गोटे शासन तंत्र रो दृढ़ इच्छा शक्ति कौन न करि पारे सात वर्ष तले प्रलयंकरी बन्या ध्वस्त विध्वस्त करि देइथिला केदारनाथ धाम को से दिन संकल्प करिथिले एही नरेंद्र मोदी महाभाग आज ताकू विकास दिगरे नहीं चली गोटे धामर विकास केवल धामर विकास हबनी एक संस्कृति ऐतिह परंपरा को आगो को बढ़ेबारे सहायक हम अतएव आज भारत प्रधानमंत्री विश्व को एक वार्ता देवाई चाहती जे शासन तंत्र दृढ़ इच्छा शक्ति आगे सबू संभव कौन सी कथा असंभव नुह एक से कम आज परिणत कर देखते भाव में जो भाई भाव में केदारनाथ आज गस्त था प्रधानमंत्री वार्ता था सारा देशवासी कहीपर विश्ववासी से वार्ता पाई आदि शंकराचार्य से समाधि स्थल पुनरुद्धार आम अधिक आलोचना करुले आम सहित संत बाबा विश्वेश्वर चैतन्य जे अनेक कथा कहते शंकराचार्य परंपरा कथा आम सहित राज्य संपादक विश्व हिंदू परिषद पंडित महेश साहू मध्य विशेष भाव में सनातन धर्मर जो महत्व रही जो तथ्य रही से सबूत आलोकपात करते बहुत बहुत धन्यवाद आम आलोचन आपण मैंने समस्ते जोड़ जाइए आम जहाँ विशेष आलोचना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गस्त था केदारनाथ में अनेक गुड़े विकासमूलक पदक्षेप नहीं कि से घोषणा कर आठ वर्ष पर केदारनाथ में जहाँ स्थित था बर्तमान ता बदलवे लगी समय सर जो आम विशेष उपस्थापन को आम ये रखा नमस्कार।